नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 11 Pro 5G वर्सेस Google Pixel 8a 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में 6.39 इंच जबकि Pixel 8a 5G में 5.99 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Reno 11 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में 2.92 इंच जबकि Pixel 8a 5G में 2.86 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Reno 11 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Reno 11 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि Pixel 8a 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 11 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 11 Pro 5G में 181 ग्राम्स जबकि Pixel 8a 5G में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 11 Pro 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में AMOLED जबकि Pixel 8a 5G में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Reno 11 Pro 5G में 20:1:9 जबकि Pixel 8a 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि Pixel 8a 5G में 6.1 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Reno 11 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ और Pixel 8a 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 11 Pro 5G में 90.06% जबकि Pixel 8a 5G में 81.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 11 Pro 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच जबकि Pixel 8a 5G में 431 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP 1.8 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा 24 mm फोकल लेंथ कैरेट 1.56 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 1 माइक्रो एम पिक्सल साइज 8 MP 2.2 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 16 mm फोकल लेंथ कैरेट 4.0 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 1.12 माइक्रोमीटर्स पिक्सल साइज 32 MP 2.0 कैरेट टेलीफोटो कैमरा 47 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.7 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 0.8 माइक्रोमीटर्स पिक्सल साइज देखने को मिलता है। और Pixel 8a 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Pixel 8a 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Pixel 8a 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में Mali G610MC6 जबकि Pixel 8a 5G में Immortalized G715MC10 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200Z और Pixel 8a 5G में Google Tensor G3 मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 11 Pro 5G में 12 GB जबकि Pixel 8a 5G में 8 GB RAM मिलती है।
बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256 गीगाबाइट स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी रीनो 11 प्रो 5G में 4600 mAh जबकि पिक्सल 8a 5G में 4492 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो रीनो 11 प्रो 5G में 2 कलर्स जबकि पिक्सल 8a 5G में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो रीनो 11 प्रो 5G 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 41,190 रुपीस में मिल जाता है और बात करें पिक्सल 8a 5G की तो वो 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 59,999 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में पिक्सल 8a 5G आगे है, मेन कैमरा में पिक्सल 8a 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पिक्सल 8a 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा नथिंग फोन 2A 5G है, तीसरा Vivo V35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।